हमने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया गौरी? मैंने कुछ बुरा किया नहीं ना? उमा ने कुछ बुरा किया? विक्रम ने कुछ बुरा किया? ये मीनाक्षी ने कुछ बुरा किया? वो बड़बोली है थोड़ी सी लेकिन दिल की बुरी नहीं। निष्ठा, आदिति, इसने नहीं बुरा किया तेरे साथ। वो जो अंदर रात जो लेटा हुआ है तेरे, उसने तेरे साथ बुरा किया नहीं ना? किसी ने बुरा नहीं किया तेरे साथ, फिर तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सब कुछ खत्म कर दिया। अपनी कसम खा के बोल रहा, अगर ऐसा कुछ मेरी अपनी सगी बेटी ने किया होता ना, अब तक गला घोट कर उसको मार चुका होता मैं। तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी है ही नहीं, कभी अपनी थी नहीं। अब हम में से तेरा कोई अपना नहीं है, सब खत्म, सब टूट गया गौरी। क्या कर रहे है? उठ क्यों रहा है तू? आराम करना थोड़ी देर, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। माँ, अजीब बात तो ये है कि डॉक्टर पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि मुझे हुआ क्या था, इसलिए तो कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं वो। बेटा तू चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। डैड, हमें अजय और उसकी फैमिली से बात करनी चाहिए। जब हमें पता चल गया कि गलती गौरी की थी तो अदिति क्यों भुगते? ये अजय अपने रिश्ते से पीछे नहीं हट सकता है। राज, कोई बात नहीं, अदिति अच्छी लड़की है, एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा उसके लिए। लेकिन माँ, बात ये नहीं है कि हमें और भी अच्छे लड़के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बात यह है कि हमारे हाथ में इतना अच्छा लड़का आया हुआ है, हम उसे जाने कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गौरी ने अजय के लिए झूठ बोला है। लेकिन ठाकुर जी, मां, ये सब बातें हम बाहर करके भी चल सकते हैं। रात को आराम कर ले। अरे राज, संभाल अपने, क्या कर रहा है? संभालना तो मुझे, डैड सबको, मैं बात करूंगा सबसे। आपकी आंखों के सामने है, पिछले कई वक्त से इस घर में सब कुछ गलत हो रहा है। राज, मैंने तुम्हें कई बार तांत्रिक के बारे में बताने की कोशिश की, विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अजय के साथ मैं नहीं थी, वो निष्ठा थी। गौरी कब से हमें तांत्रिक के बारे में बता रही थी, हमने कभी भी विश्वास नहीं किया। लेकिन अभी अभी जो अदिति ने बोला वो भी तो वही है ना, तो हो सकता है कि तांत्रिक हो। जब मैंने सुना था तुम अदिति की जान बचा रही हो, ऊपर से तांत्रिक की बातें, तो कहीं ना कहीं मुझे तुम पर यकीन हो गया था गौरी, तुम पर विश्वास हो गया था। तुम कितनी सही लग रही थी, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता था, सब कुछ सही करना चाहता था, लेकिन तुमने फिर से झूठ बोला मुझसे, फिर मेरा विश्वास तोड़ा, फिर धोखा दिया। तुम कौन सा जाल बुन रही हो गौरी? तुम करना क्या चाहती हो? इसमें मिलाया क्या है? ये तो बड़ा टेस्टी है, वेरी यम्मी। सीक्रेट रेसिपी है और इसे पीने से हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। एक्चुअली ताकत तो आज वैसे भी बहुत बढ़ गई ना, कैसे तिल मिला रही थी वो। मुझे तो देख के बहुत मजा आ रहा था, सबसे माफी मांग रही थी। मैं तो चाहती थी कि वो गौरी तुम्हारे पैरों पे गिर जाए, ये तो काला सूरज, तुमने मुझे रोक दिया। तुम्हें तो बहुत मजा आया ना, पर मुझे तो मजा तब आता जब उसका मजाक बनता, उसकी इज्जत के छितरे उड़ते। इतनी शोक सभा मत मना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो उसे बहुत नीचा दिखाना है, बहुत कुछ करना है। एक्चुअली पता है, दिल तो मेरा भी बिल्कुल नहीं भरा। करुणा, अगर तुम दोनों का ये पार्टी सेशन खत्म हो गया तो मैं कुछ कहूं? Sure. अपनी जीत के ढोल इतने भी मत बजाओ, अभी ज्यादा ढोल बजाने से ढोल जल्दी फट जाता है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? शायद तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया, गौरी अपनी हर गलती को एक्सेप्ट कर रही थी, अपनी हर गलती को मान रही थी, माफिया मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। हाँ, उसको उसको कहीं बाहर जाने की बहुत जल्दी थी, ऐसा लग रहा था ना। Exactly. ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं जाने की जल्दी है, वो कहीं तो जाना चाहती थी। शायद उसे हमसे जीतने का कोई रास्ता मिल चुका है, उस पर कड़ी नजर बनाकर रखनी होगी, पता लगाना होगा कि वो करने क्या वाली है। तुम चिंता मत करो, मैं गौरी को कुछ नहीं करने दूंगी। जूनी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे किसी भी तरह अपने पति की जान बचानी है और मैं अपने आप को उस तांत्रिक के हवाले भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि क्या राज है क्या है, पर इतना जरूर पता है कि मुझे पाने के बाद वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी शैतान को शक्तियां दिलाने में मेरा कोई हाथ हो। उस तांत्रिक ने तेरे राज में काला जादू किया, ऐसा जादू जो पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने शत्रु का विनाश करने के लिए क्या करते थे, जिसे सात वार कहते हैं। सात वार? इसका क्या मतलब है? नरक, पाताल, जहन्नुम, ये सारे नाम तूने लोगों से सुने होंगे। लोगों को लगता है एक ही दुनिया है, एक ही मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सात दुनिया होती है, हर दुनिया का अलग मतलब होता है, अलग मायने होते हैं। मैं जानती हूँ गौरी, इन सब बातों पे विश्वास करना तुम्हारे लिए मुश्किल, क्योंकि ये दुनिया हमारी है ही नहीं। कुछ महीने पहले अगर ये सब सुनती तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता, हंसती, पर आज नहीं। जहां इस पड़ाव के बाद वो सातवीं दुनिया है। उस दुनिया के पार उस तांत्रिक ने तेरे पति की आत्मा को कैद करके रखा है, जो खतरनाक दुनिया है जहां शैतानों का राज होता है। हम इस दुनिया में जाएंगे कैसे? इस दुनिया के द्वार तक तो मैं तुझे पहुंचा सकती हूँ, पर उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए तुझे 3 दरवाजे खोलने होंगे। याद रखना गौरी, हर दरवाजे की अपनी एक चाबी है जो तुझे ढूंढ के लानी है, लेकिन ये चाबी ढूंढना इतना आसान नहीं है। इस चाबी को ढूंढने के लिए तू जितना आगे बढ़ेगी खतरा बढ़ते जाएगा, तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस राज की जान बचानी है। मुझे अभी वहां जाना है। गौरी रुक जा, वहां जाना इतना आसान नहीं है। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाए। जैसे तैसे कुछ लोग उस द्वार तक पहुंचकर भी अंदर नहीं जा सके, और अगर अंदर गए भी तो फिर कभी वापस नहीं आ सके। याद रखना गौरी, तुम बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जा रही हो। मेरी जिंदगी ही अब खतरा बन चुकी है और मेरा परिवार उस तांत्रिक के निशाने पे। जुगनी जी, मैं अपने राज की जान बचाना चाहती हूँ, उसकी आत्मा वापस लाना चाहती हूँ। फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मेरे दिल को सुकून तो मिलेगा कि मेरा परिवार सेफ है, मेरा राज सेफ है, खतरे से बाहर है। और वो तांत्रिक जो मुझे अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे भी कोई शक्ति नहीं मिलेगी। जुगनी जी, मुझे उस तांत्रिक को रोकना है। मुझे इस वक्त सिर्फ इतना पता है कि मुझे वहां जाना है, मुझे उस दुनिया में जाना है। प्लीज, मुझे मेरे राज की जान बचानी है। वहां जाने के लिए तुझे एक चीज की जरूरत होगी, लेकिन याद रखना, हर कार्य को पूरा करने का, हर पड़ाव को पूरा करने का एक निश्चित समय है तुम्हारे पास। याद रखना, अगर तुम उसके अंदर चली गई, तुझे हर पड़ाव सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच में ही पार करना होगा। अगर इस बीच तू उस पड़ाव को पार नहीं कर पाई तो तू हमेशा के लिए वहां रह जाएगी, उसी दुनिया की होकर रहेगी। और अगर पार कर लिया तो तू अपने आप बाहर चली आएगी। इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? गौरी, तू अपने पति से बहुत प्यार करती है ना, तो तुझे अपने पति का खून लाना होगा उस दुनिया तक पहुंचने के लिए। खून? हाँ गौरी, इस दुनिया में जाने की यही एक कीमत है जो तुझे चुकानी पड़ेगी। राज का खून कैसे लाऊंगी मैं?